इंजॉय यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। दोस्तों आज हम इन्फिनिक्स का देख सकते हैं गाइस, एक मॉडम है देख सकते हैं गाइस मेरे पास है गाइस। इसका पासवर्ड पहले हम रिसेट कर चुके थे लेकिन एक भाई बोलते हैं कि वो मतलब नहीं हो रहा है, पुराना मॉडम उनके पास है, ये न्यू मॉडम है इसको में नहीं हो रहा है। इसी को आज आपका भाई पासवर्ड रिसेट करेगा गाइस। आपको इस मॉडम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दे दिए हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या कॉमेंट कीजिए। आपका भाई तुरंत वीडियो बना देगा इस मॉडम के बारे में। अगर आपका नेट नहीं चल रहा है या मॉडम को काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, पासवर्ड रिसेट करना है तो वीडियो बना ही देंगे। कौन सा सिम बेस्ट रहेगा इसको मैं वीडियो बना चुके हैं एक बार कि जियो या एयरटेल, उसका भी वीडियो बना दिए हैं, जाके वीडियो में देख सकते हैं गाइस कि कौन सा जियो सिम बेस्ट रहेगा, कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं इंटरनेट का। गाइस इसको मैं सबसे बेस्ट सिम रहता है जियो का, जियो का कैसा सेटिंग करना है वो आपका भाई वीडियो अभी तक नहीं बनाया, उसका भी वीडियो आपका भाई बना देगा कि जियो के में कैसे आप सेटिंग कीजिएगा तो आपका एकदम इसको में बहुत स्पीड देगा, उसका भी वीडियो आपका भाई बना देगा। चलिए गाइस सबसे पहले इसको बताते हैं कि आप इसको इसका पासवर्ड कैसे रिसेट कर सकते हैं, आज का आईडी कैसे रिसेट कर सकते हैं। आ गया न्यू तरीका आ गया, चलिए वीडियो आपको सामने बनाते हैं। चलिए इसको अपना पहले लैपटॉप में डालते हैं आप लोगों के सामने, आप लोग के ये घर पर ट्राई कर सकते हैं, कहीं जरूर जाने का नहीं है। गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपका भाई तुरंत रिप्लाई दे देगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको आप कमेंट कीजिए, आपका भाई तुरंत वीडियो बनाएगा। लेकिन आपका छोटा भाई का चैनल प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज से प्लीज छोटा भाई का चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब मी प्लीज। चलिए इसको हम अपना लैपटॉप लगाते हैं आप लोग के सामने, उसके बाद इसका पासवर्ड रिसेट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं गाइस कुछ हिस्सा से इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद अपना लैपटॉप में डाल रहे हैं। आपका भाई अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका छोटा भाई कैसे आगे बढ़ेगा, आप ही एक पल के लिए सोचिए। देख सकते हैं कुछ हिस्सा से लैपटॉप में ले चुका, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आ चुका है गाइस। इसका एक ऐप आता है देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक ऐप यहाँ पे रहेगा जो इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। इसको इसको डबल टिक कीजिएगा तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा गाइस। आप लोग इसको में ई मोडम में एक नया फंक्शन आ गया है, अगर इसको आप मोबाइल से पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं तो नहीं होगा, इसको लेके आपको पीसी ही चाहिए। अगर मोबाइल से पासवर्ड रिसेट करिएगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मोबाइल से भी आप लोग करना चाहते हैं तो उसका भी भाई आपके पास भाई का भी ट्रिक्स है, आपको मोबाइल से भी अथी पासवर्ड रिसेट हो सकता है, आपका भाई के पास वो भी ट्रिक्स है। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका भाई हर एक वीडियो बना देगा। आप कमेंट कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे बेस्ट है कि कमेंट कीजिए, आपका भाई वीडियो तुरंत बना देगा। एक भाई बोलते हैं कि हमको पासवर्ड रिसेट करना है, नया तरीका में नया मॉडल है, उनको बारे में वीडियो बनाए हैं देख सकते हैं आपकी, वो कॉमेंट किए हैं एक वीडियो में। चलिए गाइस आपको बताते हैं कि आप पासवर्ड कैसे, ये आपको इंस्टॉल कराना है अपना पीसी में, गाइस अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका भाई पहले आपको लैपटॉप से बता देता है, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा मोबाइल से थोड़ा स्टेप थोड़ा सा आगे है, इसलिए आपको पहले मोबाइल भाई लैपटॉप से करना सिखाया जाता है, उसके बाद आपको मोबाइल से सिखाएगा। आप लोग वीडियो में बन रहेगा शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, ठीक है ना भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटा भाई के चैनल। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई भी आपका प्रॉब्लम ही मॉडम के बारे में तो कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज प्लीज। चलिए यहाँ पे हम इसका जो ऐप है इसको ओपन करते हैं, कुछ ही तरह से ओपन होगा। जैसा ना कुछ हिस्सा से ओपन हो रहा है, वेट कीजिए थोड़ा सा ओपन होने, कुछ हिस्सा देख सकते हैं इसका पर्सनल वाइप हो गया जो ओपन होगा, इससे ही आपका पासवर्ड रिसेट होगा, आईडी रिसेट होगा। चलिए गाइस इसका पहले यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर नेम में आपको सब स्मॉल लेटर में इन्फिनिक्स से जो नाम है वही रहेगा, देख सकते हैं कुछ हिस्सा यूजर नेम में वही रहेगा और पासवर्ड भी वही रहेगा, सब छोटी अक्षर में, सब स्मॉल लेटर में आपको डालना है। चलिए हम डाल लेते हैं, लेकिन उस चलिए सब डाल लेते हैं जैसे ना कुछ हिस्सा डाल दिए हैं, चलिए इसको कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ना कुछ हिस्सा से लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं आप पे। चलिए होम पर आ जाते हैं, कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐप को लॉगिन हो रहा है, यूजर नेम आपको सब बताएं, सब स्मॉल लेटर में उसका नाम ही होता है, मॉडम का जो नाम है वही डालना है, सब स्मॉल लेटर में यूजर नेम वही डालना है, पासवर्ड में वही डालना है। चलिएगा आपको पासवर्ड रिसेट करना है और आईडी रिसेट करना है, चलिए उसको बारे में बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना, होम पर कुछ हिस्सा से ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है। चलिए सबसे पहले हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा, आपको सामने कुछ हिस्सा से सेटिंग ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको ब्लेंड पर क्लिक करना है, कुछ हिस्सा से देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लेंड है तीसरे नंबर पर, ठीक है ना, इसको पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग नजर आ रहा है, इसको पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंड बेसिंग सेटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंड बेसिंग सेटिंग पर क्लिक करना, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये पासवर्ड शो पर क्लिक करने पर देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड लगाए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पासवर्ड लगाए हुए हैं, यहाँ पर नाम दूसरा डाले हुए हैं और यहाँ पे सब कुछ आपको इनेबल ही रखना, डिसेबल नहीं रखना। अगर इनेबल रखिएगा
तो आपको दूसरा कोई नहीं यूज करेगा। अगर डिसेबल कर दिया गया तो सिंपली आप खाली पर्सनल यूज कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा का जो कोई आपको नहीं लगा सकता है, मतलब वाईफाई नहीं ले सकता है, मतलब जो वाईफाई का सिग्नल आता है वो आपको नहीं दिखेगा। आपको इनेबल ही इसलिए रखना है कि कोई भी आप मोबाइल वोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, इनेबल भी रखना है, आपको जैसा सुविधा वो कर सकते हैं। अगर डिसेबल कर दिया गया तो आपको मतलब कोई की मतलब आपको वाईफाई खुला हुआ रहा है कुछ कोई मतलब, अगर आपको चलता रहेगा वाईफाई ठीक है ना, उसको नहीं दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिंपली इनेबल रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना मतलब आईडी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कितना मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे चलिए बे पर क्लिक कर देते हैं, आप कितने यहाँ पे ई कर देते, यहाँ पे यस क्लिक करना है, आपको पासवर्ड डाल देते हैं, यहाँ पे सिंपली पासवर्ड हाइड कर देते हैं पासवर्ड के ऊपर, यहाँ पे इनेबल करके आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको सिंपली आपको सक्सेसफुली आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको सक्सेसफुल आईडी पासवर्ड चेंज होगा, सिंपली इतना सा काम है, बताइए कोई मेहनत वाला काम है? अगर आपको मोबाइल से पासवर्ड चेंज करना है या लैपटॉप से पासवर्ड चेंज करना है या लैपटॉप से पासवर्ड चेंज करना है या कुछ भी मॉडम के बारे में जानना है, तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, मगर उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका भाई तुरंत वीडियो बना देगा। एक भाई बोले कि हमको ये मॉडम में ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, पासवर्ड हमको से रिसेट नहीं हो रहा है, तो उसको उनको बोले भी एक वीडियो बना हुआ है, तो वो भी बोले कि फिर भाई फिर से आप वीडियो बना दीजिए, तो उनके लिए वीडियो बनाए, पर्सनल वीडियो बनाए, उनके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपका भाई, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का आपका आईडी पासवर्ड चेंज होगा, कुछ नहीं होगा, आपका आईडी पासवर्ड चेंज होगा। अगर आप मोबाइल से भी आईडी पासवर्ड चेंज करना चाहते हो वो भी आपका भाई बना देगा। आप कौन सा सिम लगा के बेहतर यूज कर सकते हैं, इंटरनेट अच्छा स्पीड देगा 1 MB 2 MB के, तो वो भी वीडियो आपका भाई बना देगा। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो के नीचे, आपका मॉडम काम नहीं कर रहा, आपका मॉडम पीसी में नहीं काम कर रहा, कुछ भी हो वीडियो के नीचे एनीथिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, भाई तुरंत वीडियो बना देगा। अगर आपको व्हाट्सएप से पर्सनल बात करना है, व्हाट्सएप से बात करना है, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दे देंगे, आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, चलिए बाय।